गॉड पावर देखने वाले साधक गण और साधिकाओं को मेरा प्रणाम। दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी का पूजन, इसके बाद भगवान धन्वंतरि का पूजन करें और यह पूजन आप मध्याह्न काल में करें और उस पूजन को करने के बाद संध्या काल में यम देव का पूजन करें। संध्या काल धनतेरस के मुहूर्त पर जो शुभ मुहूर्त है उस समय में आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर पूजन और शंख का पूजन, इन चारों देवी देवताओं का पूजन और उनको स्थापना करके 5 दिनों तक लगातार उनकी पूजा अर्चना करते रहे। और जैसा कि मैंने अगले वीडियो में दिया था, भगवान धन्वंतरि और यम देव का पूजन कैसे करते हैं, इनका पूजन धनतेरस के दिन करना है, यह मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं गणेश जी का संक्षिप्त पूजन और कुबेर पूजन देने जा रहा हूँ, आप इसे देखें और करें। पूजा के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा दोस्तों, और बारी बारी से एक एक कर पूजा करना पड़ेगा, तभी शुभ पूजा और सही पूजा मानी जाएगी और आपको भी स्वयं खुद को एहसास होगा कि हमने सही पूजा किया है और तभी माता की कृपा भी आपको मिलेगी। दोस्तों, इस ढंग से पूजा करने की कोशिश करें और मैं जिस ढंग से पूजा का मैं वीडियो दे रहा हूँ यह प्रत्येक साल आपको काम करेगी और प्रत्येक साल इसी ढंग से पूजा करते रहें। दोस्तों, भगवान गणेश का संक्षिप्त पूजन कर लें, अपने हाथ में जल लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिबा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सौ वाम भयंत्र सूचि। जल को अपने ऊपर छीट लें, फिर आचमन क्रिया करें। ओम केशवाय नमः, जल को अपने ओठ से छुआएं। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरह से 3 बार जल को अपने ओठों से छुआ कर या उसे पी जाएं। फिर हाथ में जल ले लें और ऋषिकेशाय नमः करते हुए अपने दोनों हाथों को पोंछ लें। फिर उसके बाद स्वास्ति वचन बोलें, गणपति जी का स्मरण करें। दोस्तों, समुच्चय कदंश कपिलो गजरनक लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनाशक धूम्र केतुर्गनाध्यक्षो भाल छंद्रो गजानन द्वाद सैतानी नवानी यह पटेक्षु नायादापि। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी देवी देवताओं का स्मरण करें। श्री मन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नराभ्याम नमः, उमा महेश्वराय नमः, वाणी हिरण गर्भ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृश चरण कमलभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणपति धिपते नमः। दोस्तों, इसके बाद प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया लंबोदराय सकल जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थीनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विक्ताय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततम् मोदक पीड़े निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्य सु सर्वदा अन्य पूज्य सिद्धिर्बुद्धि सहिताय श्री महागणपति संग सपरिवार प्रियताम। इस तरह से गणेश जी का पूजन कर। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर पूजन की विधि क्या है मैं बता रहा हूँ, जो कि धनतेरस के दिन से ही शुरू करनी है। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर पूजन और दक्षिणावर्ती शंख का पूजन, इन चारों देवी देवताओं का पूजन मैं अलग अलग वीडियो में दूंगा जो एक दूसरे से मेल खाते होंगे। आप धन्वंतरि पूजन करने के बाद आप कुबेर पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन और गणेश पूजन, ये 2 वीडियो में मैं दे दूंगा, आप इन्हें देखने की कोशिश करें। कुबेर पूजन इस प्रकार है दोस्तों, कुबेर जी का आह्वान करें। अवाह यामी देव त्वामिहा यामी कृपां कुरु कोसंग वर्धय नित्यं त्वं परीक्षा सुरेश्वर। चूंकि आप गणेश पूजन करने से पहले आप सभी क्रिया कर चुके रहेंगे, जितने भी आचमन क्रिया है, पवित्रीकरण, ये सारे चीज कर चुके रहेंगे, इसके बाद कुबेर जी का आह्वान करना है। माता लक्ष्मी, गणेश जी के बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी के पूजन के बाद में कुबेर जी का पूजन करें, उनका आह्वान करें। आह्वान मंत्र है, आवाह यामी देव त्वामी आह यामी कृपा कुरु कोसंग वर्धय नित्यं त्वं परीक्षा सुरेश्वर। अब हाथ में कुछ अक्षत लेकर कुबेर जी का ध्यान करें। मनुज वाह विमान वर स्थितं गरुड़ रत्न निभंग
निधिनायकम शिव सखंग मुक्ता दिवि भूषितंग वरगदे दधतंग भज तुंदलिम। हाथ में लिए हुए अक्षतों को कुबेर यंत्र या उनका जो फोटो है, मूर्ति है, उन पर चढ़ा दें। अब कुबेर जी का यंत्र, चित्र या जो भी फोटो है, 3 बार उन पर जल का छींटे दें। पाद्यंग अर्ध्यंग आचमान्यंग समर्प्यामी, ओम वैष्णवे नमः, स्नानार्थे जलंग समर्प्यामी। कुबेर यंत्र, चित्र, जो भी फोटो है, उन पर जल 3 बार उनको चढ़ा दें। ओम वैष्णवनाय नमः, पंचामृत स्नानार्थे पंचामृतंग समर्प्यामी। कुबेर यंत्र, चित्र पर आप जो है पंचामृत चढ़ा दें। पंचामृत स्नानार्थे शुद्धोदक स्नानंग समर्प्यामी, शुद्ध जल जो है चढ़ा दें। ओम वैष्णवाय नमः, सुवासितम इत्रंग समर्प्यामी, उन पर इत्र चढ़ाएं। ओम वैष्णवनाय नमः, वस्त्रंग समर्प्यामी, उन पर मौली चढ़ा दें या उनका वस्त्र रखे हैं तो उनका वस्त्र चढ़ा दें। ओम वैष्णवनाय नमः, गंधंग समर्प्यामी, कुबेर यंत्र, चित्र, उन पर रौली अथवा लाल चंदन चढ़ा दें। ओम वैष्णवनाय नमः, अक्षतान समर्प्यामी, चावल उन पर चढ़ा दें। ओम वैष्णवनाय नमः, पुष्पंग समर्प्यामी, उन पर पुष्प चढ़ा दें। ओम वैष्णवनाय नमः, धूपम आद्रपायामी, धूप, उनको धूप दिखाएं। ओम वैष्णवनाय नमः, दीपंग दर्शयामी, उनको दीपक दिखाएं। ओम वैष्णवनाय नमः, निवेदन समर्प्यामी, उनको नैवेद्य प्रसाद चढ़ाएं। आचमनंग समर्प्यामी, फिर जल चढ़ाएं। ओम वैष्णवनाय नमः, ऋतु फलंग समर्प्यामी, ऋतु फल जो होते हैं दोस्तों उसे आप चढ़ाएं। ओम वैष्णवनाय नमः, तांबुलंग समर्प्यामी, पान सुपारी इलायची रखकर उनको चढ़ाएं। ओम वैष्णवनाय नमः, दक्षिणा समर्प्यामी, कुछ दक्षिणा उन पर चढ़ाएं। ओम वैष्णवनाय नमः, कर्पूर निरांजनंग समर्प्यामी, कपूर जलाकर उनको आरती करें। ओम वैष्णवनाय नमः, नमस्कारंग समर्प्यामी, उनको प्रणाम करें और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। धन दाय नमस्तुभ्यं निधि पदाधिपाय च भगवान त्वत् प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। इसके बाद उनका मंत्र है, ओम इच्छाय कुबेराय वैष्णवनाय धन धनाधिपते धन धन समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों 11 माला जाप कर लें। प्रत्येक मंत्र, गणेश जी का मंत्र 5 माला हो सके, 11 माला हो सके जाप करें। माता लक्ष्मी का 11 माला जाप करें। भगवान गणेश का ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणाधिपते नमः, ये दोनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र आप उसको 11 माला कर लें। माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका 11 माला कर लें। पूजन के बाद दोस्तों, गणेश जी का पूजन के बाद, माता लक्ष्मी के पूजन के बाद, भगवान कुबेर का पूजन के बाद, शंख के पूजन के बाद, अब मंत्र जाप का समय है। मंत्र जाप प्रत्येक का अलग अलग 11 माला करते चले जाएं। इसके बाद हवन क्रिया करें। हवन क्रिया दोस्तों 5वें दिन विसर्जन के दिन आप जाकर के कर लें, सबसे उत्तम तरीका है दोस्तों यह। दोस्तों दीपावली की पूजन विधि का एक वीडियो मैं अलग से दे रहा हूँ। दीपावली के दिन बही खाता तुला पूजन भी किया जाता है, जो कि दीपावली के दिन ही करना है, मैं उसे दीपावली पूजन में सम्मिलित कर दूंगा। दोस्तों दीपावली को महानिशा की संज्ञा दी गई है। महानिशा का अर्थ है ऐसी रात्रि जो कि महान है। तंत्र साधना में तो इसका विशेष महत्व है, सात्विक साधना एवं सामान्य प्रयोगों के लिए भी इसका उतना ही महत्व है। इस दिन की जाने वाली साधनाएं कम प्रयास में अधिक फल देने वाली होती है और प्रयोगों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि सभी लोग इस विशेष मुहूर्त का इंतजार करते हैं और जैसे ही दीपावली आती है वैसे ही अपने उद्देश्यों के अनुरूप साधना एवं प्रयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस वर्ष आप इस महानिशा पर यानी दीपावली की रात में आप अपनी मनोकामनाएं को सिद्ध कर सकते हैं, अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। दोस्तों एक स्तोत्र मैं दे दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, माँ काली उपासना और उनका स्त्रोत, आप उसे भी देखने की कोशिश करें और दीपावली की रात को इस स्त्रोत का पाठ जरूर कर लें और उस दिन से प्रत्येक दिन अपना दिनचर्या के हिसाब से आप प्रत्येक दिन आप पाठ करते रहें और रात में पाठ करें, आप देखेंगे दोस्तों इसका चमत्कार। और कमेंट आप अपना सुझाव जरूर देंगे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना होते होते आपका जो भी शत्रु
आप कुबेर को भी प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। एक अजीब सा वशीकरण उसमें है जो आप कुबेर को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन धन की प्राप्ति हो जाएगी आपको, सारे शत्रु आपका नष्ट हो जाएगा दोस्त। ये स्त्रोत एक गुप्त स्त्रोत है जिसे मैं वीडियो के माध्यम से उजागर कर रहा हूँ। आप जो भी साधकगण इसका लाभ उठाएं।